हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मछली की रेसिपी, बिल्कुल आसान तरीके से, जो सिंपल घर के चीज़ों से ही बन जाएगी। यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, मैदे को साफ़ कर लिया है, छान लिया है। तो फिर इसके बाद जितना हमने मैदा लिया है उतना ही हम इसमें आटा भी ले लेंगे, तो दोनों मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो सिर्फ मैदा से बना सकते हैं, सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं। मैंने दोनों मिक्स किया है, मैदा और आटा। और यहाँ पे अजवाइन लिया है खूब सारा, तो अजवाइन को हाथ से क्रश करके तो इसमें डाल देंगे। और यह है कसूरी मेथी, तो कसूरी मेथी भी मैं वैसे ही सेम तरीके से हाथ पे क्रश करूँगी। क्रश करने के बाद तो इसमें डाल दूँगी, मैदे में आटे में मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर दें, न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है नमक, अजवाइन और कसूरी मेथी। नमक तीनों चीज़ को अच्छे से खूब मैदे में मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद तो इसमें हम लोग ले लेंगे रिफाइंड ऑयल। आप लोग चाहें तो इसमें घी भी ले सकते हैं, देसी घी या कोई भी घी। तो बस अच्छे से खूब मिक्स कर लेंगे। हमें खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि जब तक कि इसके जैसे कि लड्डू के आकार में ना बने तब तक हमें खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो दोनों हाथ से मसल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे में रिफाइंड ऑयल को। मैंने यहाँ पे रिफाइंड लिया है, तो आप सब देख सकते हैं कि लड्डू के आकार में जैसे हाथ से बना रही हूँ जिस भी आकार में बन जा रहा है, तो इतना परफेक्ट ऑयल है हमारे मैदे के लिए। तो फिर अब बस इसमें हम पानी मिक्स करते जाएंगे और खूब अच्छे से आटा बना लेंगे। इसका आटा हमें सख्त लगाना है, ध्यान ये रहना चाहिए। और थोड़े थोड़े करके पानी लेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है एक साथ में, बस थोड़े थोड़े करके पानी ले लेंगे। सख्त आटा खूब अच्छे से गूंथ लेंगे इसका। आटा रेडी हो गया है, ऊपर से मैंने एक चम्मच रिफाइंड ऑयल लेके मिक्स कर लिया है। तो बस इसे ढक करके अब रख देंगे कुछ देर के लिए, 10 मिनट, 5 मिनट, जितना समय रहे आपके पास। नहीं तुरंत बनाना चाहे तो तुरंत भी बना सकते हैं, बट सेट करने के लिए 5 मिनट छोड़ना ही पड़ता है 10 मिनट आटा को। तो हम यहाँ पे छोड़ दिया है आटे को, फिर बाद में निकाल के देख लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे से गूंथ चुका है आटा। और छोटी छोटी मैंने लोइयाँ बना ली है, आप अपने शेप के हिसाब से बना सकते हैं, बट ऐसे जल्दी हो जाता है। और अगर आप ट्रायंगल शेप में या समोसे के आकार में बनाते हैं थोड़ा सा समय लगता है। और तो मैंने छोटे छोटी लोइयां बना करके ऐसे पौने से जिससे हम लोग निकालते हैं पूरी छानने वाला पौना, जाली वाला होता है, उससे मैंने चपा लिया है। आप चाहें तो कांटे वाले चम्मच से भी चपा के ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो बस थोड़ा सा हमें इसमें डिज़ाइन भी आ जाएगा। और हमें एकदम लो आँच पर पकाना है, एकदम लो आँच पर, ज़्यादा रिफाइंड ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए, बस हल्का हल्का गर्म रहे उसी पे हमें पका लेना है। बिल्कुल आसान है बनाना। अगर हम बना के ऐसे रख लेते हैं तो ये रहता है कि हम जब भी चाय पिएं या तो घर में कोई आ जाए तो हम चाय के साथ नमकीन दे सकते हैं। और बहुत अच्छा स्नैक है ये, शाम के लिए भी, सुबह के चाय के साथ भी। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर कहीं कुछ कमी रह जाए तो भी आप लोग बता सकते हैं कि कहाँ कुछ कमी है, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। मछली बनकर मेरी रेडी है, आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर ट्राई करिएगा। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।